लेट्स कम योर जर्नी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।